राजस्थान में मॉनसून की बारिश का दौर धीमा जरूर हो गया, लेकिन थमा नहीं है। राजधानी जयपुर में फिर हल्की बारिश शुरू हुई। इससे पहले शनिवार को कोटा में जहां मूसलाधार बारिश हुई, तो जयपुर में छितराई हुई बारिश का दौर चलता रहा। बारिश के कारण पूरे प्रदेश का तापमान 40 डिग्री से नीचे आ गया है। मौसम विभाग ने फिर पूर्वी राजस्थान के दो जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। इनमें भरतपुर, धौलपुर जिला शामिल है। इनके अलावा 22 जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून की ट्रफ लाइन राज्य के उत्तरी भागों से होकर गुजर रही है। पूर्वी राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर में भारी बारिश होने के आसार है। इसके साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के 22 अन्य जिलों में भी बारिश की संभावना बन रही है। प्रदेश में 15 से फिर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में कुछ बढ़ोतरी और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही मौसम केंद्र जयपुर ने चूरू, सीकर, नागौर, सवाईमाधोपुर, जयपुर, टोंक जिलों के लिए 3 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अनुसार इन जिलों में कहीं कहीं तेज सतही हवाओं 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ हल्की से मध्यम बारिश और मेघ गर्जन या ओलावृष्टि की संभावना है। बीते 24 घंटे में मौसम की बात करें तो मॉनसून ट्रफ लाइन राज्य के उत्तरी हिस्से यानी कि श्रीगंगानगर से होकर गुजर रही है। इसके चलते कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। साथ ही चूरू, बीकानेर, श्रीगंगानगर, टोंक, बूंदी और झुंझुनू जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी दर्ज की गई है। इसके अलावा पश्चिम राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश चूरू के तारनगर रेणी में 86 मिलीमीटर और पूरे राजस्थान के बूंदी में 85 मिलीमीटर दर्ज की गई है।